माता दी कैसे हैं आप सब दोस्तों। करवा चौथ है, सबसे खूबसूरत त्यौहार है, दाम्पत्य के रिश्तों की मधुरता का त्यौहार है दोस्तों। कितने भी बुरा हो रिश्ता, कितने भी लड़ाई झगड़े हो, रूठना मनाना बहस आदि हो, लेकिन अहंकार के सारे खोलते हुए जितने इमोशंस है वो सब खत्म हो जाते हैं साल में जब करवा चौथ आता है और चालू हो जाती है चांद को देखने की लड़ाई। कब उगेगा ये चांद, दिन भर का सहन, दिन भर की भूख और शाम होते होते चांद की बेचैनी, और चांद भी इतनी आसानी से उस दिन निकलता नहीं है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही धूमधाम से अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। और दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्रत होता है करवा चौथ व्रत, सुहागन स्त्रियों का सबसे इंपॉर्टेंट त्यौहार माना जाता है दोस्तों। अपने अपने पति की दीर्घ आयु के लिए महिलाएं इस दिन व्रत और पूजा करती है, और कार्तिक माह के चंद्र उदय व्यापनी चतुर्थी को महिलाओं द्वारा ये व्रत को किया जाता है दोस्तों। इस साल करवा चौथ का व्रत 8 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ रहा है, और संयोग से बहुत ही खूबसूरत संयोग है दोस्तों, मेरा हैप्पी बर्थडे भी है उस दिन, तो आप सभी के साथ मनाने वाली हूँ। और दोस्तों ध्यान रखें, करवा चौथ व्रत का शुभ मुहूर्त सुबह 5:55 से 7:09 तक है। समय आपको मिलेगा सिर्फ 1 घंटे 14 मिनट, और शाम को चंद्र दर्शन का समय रहेगा 8:14 तक। करवा चौथ की सारी तैयारियां आपको पहले ही कर लेनी है दोस्तों, और कुछ बातें ध्यान रखनी है आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है। करवा चौथ में कम से कम 35 सामग्री लगती है, वो आपको सब तैयार कर लेनी है, और केवल वो सुहागने या जिनका रिश्ता तय हो गया है वो ही स्त्रियां इस व्रत को रखें। व्रत रखने वालों को, स्त्रियों को काले और सफ़ेद रंग के कपड़े कतई नहीं पहनने चाहिए, और करवा चौथ के दिन लाल और पीले कपड़े पहनना विशेष रूप से फलदायी होता है दोस्तों। करवा चौथ का व्रत सूर्य उदय से चंद्र उदय तक रखा जाता है, और निर्जल या केवल जल ग्रहण करके इस व्रत को रखना चाहिए। पूर्ण श्रृंगार करें और अच्छा भोजन करें, और पत्नी अगर अस्वस्थ है, किसी वजह से बीमार है, तो ऐसी स्थिति में पति भी ये व्रत रख सकते हैं दोस्तों। बात करेंगे हम कैसे अब इस व्रत को करना है, क्या है इसकी पूजा विधि, तो ये ध्यान रख लें दोस्तों, ये पवित्र सौभाग्य का व्रत 8 अक्टूबर को आ रहा है, और थोड़ी थोड़ी सब जगह की मान्यताओं में अंतर होता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से मेहंदी आदि लगाते हैं, सोलर श्रृंगार करते हैं, और पति का पूजा करके पारायण करते हैं दोस्तों। करवा चौथ में लगने वाली जो आवश्यक पूजा सामग्री है उसमें धूप, दीप, चंदन, शहद, शक्कर, देसी घी, मिठाई, फूल, दीपक, रुई, कपूर, मिट्टी का बना हुआ दीपक, गौरी का लकड़ी का तख्ता या आसन एक पाटिया ले लें। भोजन के लिए अनाज में आप जो भी मुख्यतः गेहूं या चावल यूज़ किया जाता है, स्वच्छ जल का कलश ले लें, शिव पार्वती की तस्वीर या मूर्ति जो भी हो, और सिंदूर, मेहंदी, चुनरी समेत सुहागन स्त्री के सोलर श्रृंगार का टोटल सामान आपको ले लेना होता है दोस्तों। सबसे पहले ये बता दूं कि हर क्षेत्र की पूजा अपने अपने अनुसार की जाती है, विधान अलग होता है, कथाएं भी अलग होती है, यही वजह है कि अलग अलग क्षेत्र में पूजा करने की विधि और कथा में अंतर पाया गया है दोस्तों। सबसे पहले आपको स्नान करके संकल्प कर लेना है, और सास द्वारा भेजी हुई सरगी खा लेनी है। सरगी में आपको मिठाई, फल, सेवई, पूड़ी आदि रखनी चाहिए, और साथ श्रृंगार की सामग्री भी सास की ओर से आती है। ध्यान रखना चाहिए कि प्याज और लहसुन से बनी हुई सामग्री का सेवन उस दिन बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। कैसे करना है पूजा वो बताऊंगी आपको, ध्यान रखें दोस्तों। आजकल अकेले अकेले न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, बहुत ही छोटे छोटे फैमिलीज है, सास बहुत दूर रहती हैं, मे बी इंडिया रहती हैं, और बहू अब्रॉड रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में कहीं, ऐसे में दोस्तों मन में वहम विचार दुख नहीं लाना है। अपनी सरगी का सामान खुद पहले से अरेंज करके रखें, फल मिठाइयां, ताकि आप सुबह सुबह उसका सेवन कर सकें। सभी करवा चौथ में जितनी भी मैंने सामग्री बताई है वो पूजा सामग्री अपने अपने जितनी अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार आप एकत्रित कर लें। करवा चाहिए होता है मिट्टी का, वो रख लें। अगर मिट्टी का करवा ना मिले तो दोस्तों ग्लास पे करें, टेंशन ना लें। व्रत के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद एक संकल्प आपको बोल लेना है करवा चौथ व्रत का प्रारंभ करने के लिए। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र आदि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। इस व्रत को आपको बोल लेना है, ये आपका थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लें।
इसके बाद पूरे दिन निर्जला रहे, दीवार पर गेरू से फलक बना करके पीसे हुए चावलों के घोल से करवा मांडना है। दोस्तों हमारा बहुत ही पुराना ये त्यौहार है और बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। दो चीज बनानी होती है आपको, एक होता है गेरू, होता है रेड कलर का स्टोन, आपको कोई भी पूजा शॉप पे मिल जाती है, 1-2 रुपए की ले लें, उसको घोल लें, थोड़ा पतला कर लें हल्का हल्का पानी डाल करके वो, और थोड़ा सा चावल आप पीस लें, उसमें पानी मिक्स कर लें, अपन जिसको हम कहते हैं। दोस्तों ये दोनों चीज़ों को अलग अलग कटोरियों में रख लें और बड्स से आप खूबसूरत सा या फिर छोटा सा पुराना कपड़ा, अगर आपका हाथ से होता है सूती कपड़ा ले लें, कोई भी दुपट्टा का या साड़ी का, उससे आप दीवार पर या फिर कोई पेपर का कुड बोर्ड ले लें, उस पर वाइट चार्ट पेपर लगा लें, उससे आप ये वर चित्रित ज़रूर करें। वर बोलते हैं दोस्तों इसको, चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत हमारे कल्चर का एक पार्ट है दोस्तों, आप पिक्चर पे देख पा रहे होंगे इस तरह से करवा चौथ माता को बनाया जाता है। फिर आपको 8 पूरियों की अठावरी बनानी चाहिए, हलवा बनाना चाहिए, पक्के पकवान बनाएं। जिनके घर पे दाल बाटी चूरमा बनता है जैसे हमारे घर पे, तो हम वो बनाएंगे दोस्तों। और पीली मिट्टी से गौरी बनाएं, उनके गोद में गणेश जी बिठाएं। दोस्तों अगर आपके पास गणेश जी और गौरी माता बनाने का साधन नहीं है तो सुपारी के गणेश बनाएं और तांबे के पैसे या कोई भी नॉर्मल पैसा लेके उस पर मौली लपेट दें गौरी माता का भाव करके। गौरी माता को लकड़ी के आसन पर एक पाटिया रख लें, उस पर सभी चीज़ें विराजित कर लें और चौक बना करके आसन को उसके ऊपर रखना है। गौरी माता को चुनरी उढ़ानी है, चुनरी नहीं है तो मौली आप रख करके उसका चुनरी का भाव करें और बिंदी आदि जो भी सुहाग सामग्री आपने रखी है वो सभी चीज़ों से गौरी माता का आपको श्रृंगार करना चाहिए। जल से भरा हुआ लोटा रखना चाहिए बायना भेंट देने के लिए। मिट्टी का टोटेदार करवा जो आता है, मिट्टी का करवा, वो जो हम पहले से ला के रखेंगे वो आपको रखना चाहिए दोस्तों। अगर वो नहीं मिलता है आपको तो आप नॉर्मल ग्लास रखें, मन में किसी प्रकार का वहम विचार ना रखें। करवे को आप क्या होता है, एक प्लेट से ढक देना चाहिए। अब अगर आपके पास करवा नहीं है, मिट्टी की प्लेट नहीं है, तो नॉर्मल कटोरी से उसको ढकें और ढक्कन में शक्कर ज़रूर भर दें। उसके ऊपर आप जो भी दक्षिणा रखना चाहें, 2 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, आपकी आपकी चॉइस है, आप अपनी सासू माँ को जो देना चाहें, और वो उसके ऊपर दक्षिणा रखकर रोली से करवे पर आपको स्वस्तिक बनाना है। गौरी और गणेश का जो चित्र आपने रखा है या उसकी भी पूजा आप करें और फिर पति की दीर्घ आयु की कामना करते हुए एक मंत्र आपको करना है। मंत्र कौन सा है? नमस्ते शिवाय सर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभा प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारिणाम हर वल्लभे। अब आपको करवे पर 13 बिंदी रखनी है या लाल जो रोली है आपके पास उससे आप बिंदी लगाएं 13 बिंदी, और गेहूं या चावल के 13 दाने आपको हाथ में ले लेने हैं। हाथ में लेने के बाद आपको करवा चौथ माता की कथा सुननी है या आपको सुनानी है, बहुत ही शुभ होता है ये। और कथा सुनने के बाद करवे पर 4 बार हाथ घुमा करके अपनी सासू जी के पैर छू करके आशीर्वाद लें और करवा उनको दे दें। दोस्तों जो 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा आपने लिया है उसको अलग रख लें और रात में जब चंद्रमा निकलेगा उसके बाद छलनी की ओर से उसको देख करके चंद्रमा को अर्घ देना है। इसके बाद अपने पति का चेहरा आपको छलनी से देखना चाहिए और पति से आशीर्वाद लें, उनको भोजन कराएं, परिवार को भोजन कराएं और फिर स्वयं भी भोजन करें। दोस्तों पूजन के बाद आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई देकर के पर्व को संपन्न करना चाहिए और करवा चौथ की कथा जरूर आपको बोलनी चाहिए दोस्तों, वो आपको मैं आगे सुना देती हूँ। करवा चौथ के संबंध में ऐसे तो बहुत सारी लोक कथाएं प्रचलित है, पर एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करके नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी, उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना इस तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था, तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती है जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के और 1 गुणवती लड़की थी। एक बार वो लड़की मायके में थी तब वो करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया, पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं।
पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्र उदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा नहीं गया, उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्र उदय दिखा दिया। एक भाई पीपल की पेड़ पर छलनी लेकर के चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन करके भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करते ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी, उनसे उसका दुख देखा ना गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछने पर इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है, इसलिए तुझे यह कष्ट मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक कर तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ का व्रत किया और पुनः सौभाग्यवती हुई, इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त करके वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है। दोस्तों, करवा चौथ के बहुत ही फायदे होते हैं, ज़रूर करें। और कुछ 5 मंत्र होते हैं इम्पॉर्टेंट। माना जाता है कि कार्तिक माह की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आएगी, करक चतुर्थी या करवा चौथ जिसको हम कहते हैं दोस्तों, उसमें चंद्रमा को देख करके कुछ मंत्र अगर सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु, अच्छे और आरोग्य और सौभाग्य का संकल्प लेकर के इस व्रत को निराहार रख करके उपवास करें, माँ पार्वती का, स्वामी कार्तिकेय का, भगवान श्री गणेश का और चंद्रमा का पूजन करें, और दोस्तों ये जो 5 मंत्र हैं इनका जप करें, तो माना जाता है पूजा उनकी संपूर्ण होती है। पार्वती जी का मंत्र है, छोटे छोटे मंत्र हैं, ध्यान कर ले। पार्वती जी का मंत्र ओम शिवाय नमः, शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय, स्वामी कार्तिकेय का मंत्र ओम षणमुखाय नमः, गणेश जी का मंत्र ओम गणेशाय नमः और चंद्रमा का पूजन मंत्र है ओम सोमाय नमः। दोस्तों, इन सबको करने से मनुष्य की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है, सुहाग भाग की औरतों की रक्षा होती है। और हाँ दोस्तों, अपने जो भी फ्रेंड्स और फैमिली है उन सभी से इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिख के जरूर पूछ ले। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं और आप सभी का सुहाग भाग बना रहे, इसी आशा के साथ आज के लिए जय माता दी।